अजीजान गिरामी, 9 अप्रैल को जुमेरात के दिन शबे बरात है। यह बहुत ही मुबारक रात आती है, साल में एक बार आती है, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला पूरे साल के फैसले फरमाता है, इंसान की तकदीर लिखी जाती है। और शबे बरात वाले दिन मगरिब की अजानों के वक्त से फरिश्तों के जरिए अल्लाह ताला ऐलान कराता है कोई मांगने वाला कि मैं उसे दूं, है कोई मगफिरत मांगने वाला कि मैं उसकी मगफिरत करूं, है कोई रोजी मांगने वाला मैं उसको रोजी दूं। इस तरह से ऐलान होता रहता है, पूरी रात कबूलियत की रात होती है। लिहाजा इस रात में हम सब लोगों को ज्यादा से ज्यादा इबादत करनी चाहिए, दुआ करनी चाहिए और हालात के मुताबिक अल्लाह से गिड़गिड़ाकर दुआ करनी चाहिए। नफिल नमाजों की कसरत हो, कुरान करीम की तिलावत हो, तस्बीह हो, इस्तिग़फ़ार हो, दुरूद शरीफ हो, तो इस तरह पर हम रात को गुजारें और शब बेदारी करें। यह मुबारक रात साल में एक दफ़ा आती है और जो भी हम दुआ करते हैं इंशाअल्लाह वो कबूल होती है और अल्लाह ताला हमारी तकदीर में खुश नसीबी लिखता है। लिहाजा हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम घरों में रहें और इबादत करें। औरतों को भी मर्दों को भी घरों में रहकर इबादत करनी है और ये ध्यान रहे कि बच्चे इबादत में शामिल हो और वो कहीं शरारत ना करें, मोहल्लों में गलियों में कहीं पर खेलकूद ना करें। इस मर्तबा चूंकि कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन है, कारखाने दुकानें फैक्ट्रियां सब बंद हैं, लिहाजा हम लोग घरों में रहें और ज्यादा से ज्यादा अल्लाह ताला से दुआ करें। इंशाअल्लाह दुआओं से परेशानी दूर हो जाएगी। और कुछ लोग कब्रिस्तान जाने के लिए इस रात में बहुत एहतमाम करते हैं, तो चूंकि लॉकडाउन है, बीमारी फैलने का डर है, इस वजह से आप घर से ही अपने रिश्तेदारों के लिए दुआ करें। और कब्रिस्तान में जाना जरूरी नहीं है, अगर हम घर से भी उनके लिए दुआ करेंगे, इस हाले सवाब करेंगे तो इंशाअल्लाह वो कबूल होगा। तो मैं आप लोगों से यही अपील करूंगा कि ये मुबारक रात साल में एक मरतबा हमें मिलती है, इसमें हम इबादत करें और कानून की खिलाफ वर्जी ना करें, लॉकडाउन की मुखालफत ना करें और हर तरह से इस रात को कामयाबी के साथ शब बेदारी में गुजारें। अल्लाह ताला हमारी आपकी सबकी दुआएं कबूल करें और आने वाले दिन हमारे सबके लिए मुबारक हों और रमजानुल मुबारक का महीना भी हमारे लिए खुशियों के साथ आए। 15 शाबान के रोजे की बहुत फजीलत है। जुमे के दिन 10 अप्रैल को 15 शाबान है, लिहाजा रोजे का एहतमाम करें और इफ्तार के वक्त ज्यादा से ज्यादा दुआ करें ताकि आजकल के जो मुश्किल हालात हैं अल्लाह तबारक व तआला अपने फजल करम से उन परेशानियों को दूर कर दे और हमारी दुआएं कबूल हो जाएं।